धामनगर उपनिर्वाचन रे पुणी थरे पद्म फुटिला पद्म। धामनगरवासी भारत जनता पार्टी उपरे भरोसा रखी। एठाकार मतदान माने स्वर्गत विष्णु सेठी पुओ तथा बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज को अधिक भोट दे विजय कराई। निर्वाचन मंडल 2019 साधारण निर्वाचन रे विष्णु सेठी को 80,111 खंड भोट मिलता। निकटतम प्रार्थी राजेन दास बीजेडी को 75,486 खंड भोट मिलता। विष्णु सेठी 4,625 खंड भोट व्यवधान में विजयी होते। मिली सूचना अनुजाई धामनगर उपनिर्वाचन में सूर्यवंशी सूरज 9,742 खंड भोट्रे जीति सारी। सूचनाजोग्य गत 3 तारीख दिन धामनगर उपनिर्वाचन अनुष्ठित होता। यह गणति आज सकाळ 8:00 आरंभ होता। भोट गणतिर प्रथम राउंड रे ही बीजेडी पक्षर जनादेश आसीला। अर्थात भोट गणतिर विभिन्न राउंड रे बीजेपी को अधिक भिट मिलू पर होता एवं शेष राउंड पर्यंत बीजेपी आगुआ जमापड़ी। निर्वाचन फलाफल घोषणा पूर्व भद्रकुर भुवनेश्वर जाए बीजेपी कर्मी मैं उत्साहित देखा। गीत नाच मीठा बांटा काम व्यस्त रोचा किंतु ठीक समय रे पराजय को नहीं बीजेडी शिविर अवाक होती। विशेषकर बीजेडी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 22 वर्षर शासन 25 वर्षर नेतृत्व और संगठन परिचालन उपरे कला लगा रही किसी निर्दिष्ट नेता। यह सहित धामनगर में विजु प्रेमी और नवीन पटनायक खास अनुगत मानू अणदेखा और स्थानीय वरिष्ठ नेता मैंने कौन सेटा होबार प्रतिफल धामनगर निर्वाचन फल सृष्टि भाव प्रतीत हो। किसी स्थानीय नेता आत्मघाती काम कर सूचना आसुची। राजू दास खेल बुलाई स्पष्ट बारी हो पड़ी कारण 9,000 ऊर्ध भोट व्यवधान में सूर्यवंशी सूरज जीति बेले राजू स्वाधीन भाव 8,000 भोट पाई। तेणु राजू दास प्रार्थीत्व को विरोध करुवा नेता बीजेपी रे पराजय पर मुख्यतः दायी बोली एवं आलोचना जोर धरी। आम ये कही रखुचु धामनगर उपनिर्वाचन में बाजी मारी बीजेपी। बीजेपी प्रार्थी सूरज सूर्यवंशी को विजय होती। बीजेपी अंतिम दास को हराई सूरज 9,881 भोट्रे बीजेपी प्रार्थी अवंती दास को हराई बीजेपी सूरज सूर्यवंशी धामनगर में बीजेपी पुणी जनदेवा हाजर कला। बीजेपी प्रार्थी सूरज सूर्यवंशी 80,351 भोट पाई बेले बीजेपी प्रार्थी अतमी दास 70,470 भोट पाई। सेपरिक कांग्रेस प्रार्थी बाबा हरेकृष्ण को 3,561 भोट और स्वाधीन प्रार्थी राजेन्द्र दास को 8,153 खंड भोट मिली। यापर आपण मान कौन मत रही कमेंट मध्यम निश्चित जनवे। आपण देखुंत ओडिया हंगामा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलिबेनी।